न्यूट्रिशन वाली रेसिपी लेके, जिसे कि क्या कहते हैं, मूंग की दाल के चीनी। यहाँ पे यूज कर रही हूँ पनीर, तो पनीर इज फुल ऑफ प्रोटीन और मैं यूज कर रही हूँ मूंग की दाल, तो मूंग की दाल इज फुल ऑफ प्रोटीन। चलिए तो आइए हम शुरू करते हैं कि हम इसे कैसे बनाएंगे। मैंने क्या किया है, मैंने एक कप मूंग की दाल ली है जो कि ऑलमोस्ट 250 ग्राम है, और इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने ओवरनाइट पानी में अच्छे से धो के इसे मैंने भिगो के रखा, जो कि अब ऐसी हो गई है। इसको मैंने इसके पानी से निकाल लिया है, और मैं इसके लिए मैंने 10 ग्राम्स ऑफ जिंजर लिया है, अदरक लिया है, और मैंने एक हरी मिर्च ली है इसकी मिक्सिंग के लिए और इसको अच्छा टेस्ट देने के लिए, और मैं यहाँ पे इसकी फिलिंग के लिए मैं यहाँ पे पनीर यूज करूंगी जो कि ऑलमोस्ट 200 ग्राम्स है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम मूंग की दाल को बीट कर लेते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, अब इसके अंदर मैंने अपनी दाल को और साथ में ग्रीन चिली और अदरक ऐड किया है, साथ में मैं इसके अंदर हाफ कप ऑफ वाटर ऐड किया है, और मैंने हाफ ऑफ टेबल स्पून ऑफ सॉल्ट ऐड किया है, और हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने इसको बीट कर लिया है और ये बहुत अच्छा मिक्स बन गया है। हमें इसको ज्यादा पतला नहीं रखना और ज्यादा गाढ़ा भी नहीं रखना, बस अगर हम इसको डालें तो ये धीरे धीरे नीचे की तरफ जाए। और चलिए अब हम इसको साइड पर रख देते हैं और अब हम फिलिंग की तरफ आते हैं। फिलिंग के लिए मैंने इसके अंदर 200 ग्राम्स ऑफ पनीर लिया है। आप घर का बना पनीर या बाजार से भी ले सकते हैं, मैंने इसको घर में बनाया है, ये घर का पनीर है। तो अब इसके अंदर मैं अपने स्वाद अनुसार मसाले डालेंगे। मैं ज्यादा प्रेफर करती हूँ कि मैं 200 ग्राम्स ऑफ पनीर में हाफ टी स्पून सॉल्ट डालूंगी और हाफ टी स्पून ही गरम मसाला और हाफ 1/4 टी स्पून मैं लाल मिर्च डालूंगी सिर्फ कलर के लिए। गैस को अब हम मीडियम फ्लेम पे ऑन करेंगे और कोई भी फ्लैट सरफेस वाला बर्तन लेंगे हम इसको बनाने के लिए, और इस करछी का यूज करूंगी मैं इसको यहाँ पे फैलाने के लिए। और एक बार मैं फिर से आपको कंसिस्टेंसी चेक कराती हूँ, अगर तो ये थोड़ा सा गाढ़ा लगे आपको ज्यादा, तो आप थोड़ा सा पानी मिक्स कर सकते हैं। और चलिए अब हम इसको इसके अंदर डालते हैं। मैं एक करछी भर के डाल रही हूँ और ऐसी ही एक और करछी में भर के डालूंगी। अब मैं इसको इसी करछी की हेल्प से फैला लूंगी, डोसे की तरह हम इसे फैलाएंगे और सब जगह इवनली इसको मैं फैला दूंगी। अगर आप चाहे तो मीडियम से हाई फ्लेम में हम इसे बना सकते हैं, बट वी नीड टू बी बिट केयरफुल। अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो आई विल प्रेफर कि आप फ्लेम मीडियम ही रखें। इसको फैला के इसके ऊपर मैं थोड़ा सा घी स्प्रिंकल करूंगी, घी, ऑयल, बटर, हम कुछ भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे। अगर वेट लॉस के लिए है तो आई विल आस्क कि बिल्कुल थोड़ा सा ही स्प्रिंकल करिए। अब इसको थोड़ा सा ब्राउन होने तक हम वेट करेंगे और ये साइड से अपने आप छूटना शुरू हो जाएगा। हम इसको टर्न कर लेंगे और जैसे कि आप देख रहे हैं ये बहुत अच्छा सिक चुका है पीछे से। अब हम इसके अंदर पनीर की एक लेयर लगाएंगे। ऑलमोस्ट 3 से 4 स्पून पनीर के डाले हैं मैंने इसके अंदर। अब मैं इसको डोसे की तरह बंद कर लूंगी। अब हम 30 सेकेंड्स के लिए वेट करेंगे ताकि अंदर का पनीर अच्छे से गर्म हो जाए। अब देख सकते हैं आप, हमारा चीला बनकर तैयार है। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने इसको प्लेटिंग कर दी है इसकी, और इसको हम टैमरिंड की चटनी के साथ या कोकोनट की चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। और जितनी क्वांटिटी मैंने यूज की है सारी चीजों की, उस क्वांटिटी के अंदर 6 से लेकर 8 चीलास रेडी हो जाते हैं।
तो जरूर इसको ट्राई करें, इट्स अ वेरी हेल्दी ऑप्शन। और प्लीज मुझे बताना कि कैसे बना आपका चीला। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, थैंक यू।